नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। डीआरडीओ हर एक की जुबान पर चर्चा है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, हाईटेक हॉस्पिटल जिसको कहते हैं। तो अगर हाईटेक हॉस्पिटल बना है तो कहीं ना कहीं स्टाफ भी ट्रेन चाहिए। हमारे एडवर्टाइज निकलती है 20/5/2021 की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जहां पर ये कहा जाता है प्रमाण पत्र माने, यानी उनसे जो एप्लीकेशंस मांगी जाती है, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है अप्लाई कर सकते हैं। और उस दिन भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि उसमें श्रीनगर जो फॉर्म्स थे वो ऑनलाइन मांगे जा रहे थे, पर जम्मू में लॉकडाउन के दौरान, कोरोना कर्फ्यू के दौरान इनसे ऑफलाइन फॉर्म्स मांगे जा रहे थे। फिर भी बच्चों ने आकर अप्लाई किया। पर अब जो मसला बड़ा ये बना है कि क्या ये बच्चे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि डीआरडीओ में हम फॉर्म भरेंगे, जो ट्रेनिंग करके किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, किसी की 6 साल कर एक्सपीरियंस है जिनको, वो लोग उम्मीद की उनके चेहरे पर एक किरण थी कि आने वाले समय में हम भी अपनी जनता को सर्व करेंगे डीआरडीओ में जाकर। पर सवाल बड़ा क्या ये होता है कि क्या वाकई इन युवाओं का हक इनको मिलेगा। और साथ ही साथ वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया। हम सर से बोलेंगे, सबसे पहले आप इस पर नजर मारिए, क्योंकि जनता सब जो जब भी कोई मुद्दा हम लेकर आते हैं, सबसे पहले इसकी क्लैरिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। यह है 20/5/2021 को हमने उस दिन भी अपडेट दिया था, बताया था कि यहां पर श्रीनगर में ऑनलाइन फॉर्म्स मांगे गए थे, पर यहां पर जो है ऑफलाइन मांगे गए थे, वो भी 20 को फॉर्म निकलते 23/5/2021 4:30 तक। ये हमने इस टाइम अपडेट भी दिया था। अब देखिए, जो गौर करने वाली बात है, एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 नंबर यानी मार्क्स दिए जाएंगे। किस बात पे? 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर मैक्सिमम, यानी कि अगर किसी के 10 साल किसी ने लगाए हैं उसको, अगर किसी ने 5 साल लगाए हैं तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस। किसी ने 8 साल लगाए हैं उसको मिलेंगे, अगर 4 साल लगाए उसको 8 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि साफ तौर पर 20 को जो एडवर्टाइज दी जाती है उसमें लिखा जाता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है और उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है, 27/5 को एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग की जाती है और जिसमें साफ तौर पर इसको डेफर किया जाता है, जो एडवर्टाइज निकली होती है और एक्सपीरियंस मांगा गया होता है, ये कहा जाता है कि एग्जम्प्ट कर देते हैं, यानी एक्सपीरियंस अब चाहिए नहीं। 20 और 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जम्प्ट करना पड़ा एक्सपीरियंस का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे जो एक्सपीरियंस है ट्रेंड होकर बैठे हैं, अब ये कहां जाएंगे, क्या चाल है इसके पीछे की, क्या कारण है? क्या यहाँ पर भी चाचा भतीजा चलना था कि अगर एडमिटीज लगाते, पता है हजारों बच्चे हमारे ट्रेन बैठे हैं, उनको लगाना पड़ जाना था, तो फिर चाचा भतीजा कौन लगाता? सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इन युवा से पूछती है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जब आए थे सुबह यहाँ पे, सबसे पहली बात हमारी कोई आवाज सुनने वाला था ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में गए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें खाली घुमाया जा रहा था, कभी ऊपर जैसे पेशेंट को घुमाते हैं ये लोग, पेशेंट अटेंडेंट्स को घुमाते हैं कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए, इलाज नहीं होता, वैसा ही ये हमारे साथ कर रहे थे। हम वहाँ पे जॉब के लिए, हम खाली बात करने आए थे, हमको शीशे तोड़ने पत्थर मारने नहीं आए थे यहाँ पे, हम शांतिपूर्वक एक बात करना चाहते थे। हम बात करने के लिए जा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं ऊपर जाइए नीचे जाइए। जब हम सिस्टम से चलने लगे, बोलते पीओ के पास जाइए, पीओ के पास गए तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैम आप खुद बताइए कि ये गलत हुआ है कि सही हुआ है, आप इतना बता दीजिए हम चले जाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने क्या किया कि बोलते एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में गया, उनसे बात हुई, बोलते ये जी सिलेक्शन कमेटी का इशू है, सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है। हमने बोला सिलेक्शन कमेटी, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, वो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है यार, निकलिए बाहर यहाँ से। सिलेक्शन कमेटी पहले ये कहती है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में क्या खिचड़ी पड़ती, बाद में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, यानी कि अनट्रेन बंदे आ जाए। हाँ जी हाँ जी। तो फिर हम जाते हैं ऊपर प्रिंसिपल मैम के पास, पहले तो हमें मिलने नहीं दिया जाता। हमने उनको नोटिस भी दिखाया, नोटिफिकेशन जो थी कि आपने मांगा था बीएससी और जीएनएम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स के लिए, तो उसमें आपने ना तो मेंशन किया था कोई कैटेगरी सिस्टम है, वो भी मेंशन नहीं किया था। और जब आप लिस्ट निकालते हैं, आप तो इसके बिल्कुल अपोजिट लिस्ट निकाल रहे हैं। आपने फ्रेशर उठाए हैं, आपने एक्सपीरियंस वालों को नकार दिया और आपने एक वो बना दिया, एक कॉलम बना दिया, ये एससी एसटी ये वो, पर जो नोटिफिकेशन उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं। अगर उसमें कुछ भी मेंशन होता, हम पागल लोग नहीं हैं, हम यहाँ पे आते यहाँ पे बात करने के लिए, हमें पता है कि वो लिखा हुआ है। तो ये आज से नहीं हो रहा है, पूरे 6 साल से हो रहा है, मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ये तब से हो रहा है। मैं जब बताइए, जब ये एडवर्टाइज निकली आपके चेहरे पर थोड़ी तो मुस्कान आई होगी, चलिए जब ये निकली थी तब, हम लोगों को मौका मिलेगा। जब इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया था तब हमें लगा कि हम लोगों की ये है कि जॉब आएगी, पक्का आएगी, इस बार आएगी।
और डीआरडीओ का था सबसे बड़ा, इनको कोविड के लिए स्टाफ चाहिए था और एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर चलाना कोई लेमैन का काम नहीं है। कोई जहाँ फ्रेशर चला लेगा उसको वेंटिलेटर को, या कोई भी मशीन होगी, कोई भी अंदर के जो भी इक्विपमेंट है, इन्होंने जब उठाया तो फ्रेशर उठाया, वो वहाँ पे क्या काम करेंगे? और इनके इन्होंने बंदे रखे हुए हैं कि हाँ भाई 2 लाख दो, 2.5 लाख दो। ये जब हमने फॉर्म फिल किया, हमारे पास अलग अलग जगहों से फोन आ रहे हैं, हाँ जी ये 2-2.5 लाख रुपया रेट चल रहा है, इसका कंट्रेक्चुअल पोस्ट है 3 साल के लिए, एक साल के लिए है, फिर उसके बाद एक्सटेंड हो गई है 3 साल के लिए है, तो आप 2-2.5 लाख रुपया ये चल रहा है रेट, तो आप इतना दे दीजिए। अगर हमारे पास 2-2.5 लाख रुपया हो तो हम क्यों, यानी पहले आप माता पिता बेचारे गरीब माता पिता कर्ज उठा के आपको ट्रेनिंग करवाएं जी, बिल्कुल, फिर आप दोगे नौकरी लगने के लिए। अगर नौकरी लगने के लिए पैसे देंगे तो आप कमाएंगे भी तो ना बार में, तभी तो ये हालत हो रही है यहाँ। तभी अगर मैं 2-2.5 लाख रुपए देकर नौकरी करूंगा, मैं पहले वो पैसे पूरे करूंगा, मैं कुछ बेच दूंगा। अभी ये इतनी धांधली हो रही थी रेमडेसिविर की, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ये यहाँ से बेचते हैं इंजेक्शन बाहर, वही लोग बेचते हैं जो लोगों ने 2-2.5 लाख रुपया नौकरी देके ली हुई है, तो वो अपने पैसे पूरे कर रहे हैं ये चीजें। तो कहने की ये चीज है, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, एलजी साहब से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज इसको, इस मैटर को देखिए और इन्वेस्टिगेशन करिए, और ये रिवाइज्ड होनी चाहिए लिस्ट। ये जो है ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमने जल्दबाजी में की है ये चीजें, ये लिस्ट थी, इतना टाइम नहीं था, 7 दिन के तक टाइम था, 20 के बाद ये हमने ये जो है हमने जल्दबाजी में इसलिए किया कि डीआरडीओ जल्दी रिक्रूटमेंट करनी थी, और कुछ लोग फ्रॉड था, कुछ फेक जो एक्सपीरियंस लेके आए थे, वो चीजें तो इनको देखनी है ना, वो इनका स्टाफ जो लगा हुआ है, जो फॉर्म ले रहे थे वो उनको, आप वहाँ पे कॉल करिए, आप वहाँ पे जाके बात करिए, क्योंकि आप इस चीज की सैलरी ले रहे हैं, आपका काम है, आपका जॉब प्रोफाइल है ये, तो आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं वेरीफाई करते ये चीजें? ये आपको भी पता, आप युवा हैं, हमारे देश की कहते हैं ब्रीड की हड्डी होती है, और हम भी जानते हैं हमारा काम है आपकी बात को प्रशासन और सरकार तक लाना, पर ये भी आप जानते हैं जहाँ ये मनमानी करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता, होगा कुछ नहीं होगा, मुझे 100% मुझे ये श्योरिटी है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि अंदर उन्होंने ऐसे हमारी जो हमने लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखी, उसमें सबने साइन किए, जो जो हमारे ग्रीवियंस थे हमने सब कुछ उसमें लिखे मेंशन किए, उन्होंने मैडम ने ऐसे रखा साइड पे, मुझे पता है वो जाएगा डस्टबिन में, जैसे हमारा एक्सपीरियंस गया ना डस्टबिन में, ये यहाँ फिर सर्दियों में आग सेकते हैं ये बैठ के एक्सपीरियंस की। तो चलिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे युवा, जहाँ पर एक तरफ कहा गया था कि जम्मू के युवाओं के लिए प्रगति के रास्ते, उनके लिए डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलेगा, पर देख लीजिए आज क्या हशर हो रहा है, यानी जम्मू के लोग हमेशा सफर करते हैं, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, यहाँ हो रहे हैं, आखिर कब सुधरेंगे हालात, सबसे बड़ा सवाल है, कौन सुधारेगा इन हालातों को? चलिए सर से भी जानते हैं। जी सर, आप क्या? ये देखिए मैम, ज्यादा कुछ नहीं, 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये एडवर्टाइजमेंट है, क्लियरली यहाँ पे कोई भी कैटेगरी कुछ मेंशन नहीं है, बट जो सिलेक्शन लिस्ट में 50-60% तो कैटेगरी वाले बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, इसमें तो मेंशन नहीं है कि कैटेगरी वाले बच्चों को, यदि आप भी भर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्या उनमें तो इनविटेशन दिया ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे कैटेगरी? मैम वही है ना, आपने भी आज तक हजारों एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ओपन मेरिट की इतनी सीट, एसटी की इतनी, एसटी की पूरा लिखा होता है आपके सामने, इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, एक बात। दूसरी बात ये देखिए मैम, एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, यानी कि 10 पॉइंट्स मैक्सिमम, और 5 साल का तो आपको 10 पॉइंट मिलने 20-5 का ये एडवर्टाइजमेंट है, और अचानक ही 5 दिनों के बाद ये एक अर्जेंट मीटिंग हेल्ड करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है दे आर एग्जेम्प्टिंग द क्लॉज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसा क्या अन पड़ा कि एक्सपीरियंस इनको एग्जेम्प्ट करना पड़ा? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपने बंदे एडजस्ट करने चाहिए, जो भी है। यहाँ पे अभी कोई मेरे दोस्त बोल रहे थे कि वो 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, कोई 3 लाख मांग रहे थे अंदर, मतलब घपला तो है मैम, अब सीधी बात है। दूसरी बात ये देखिए, अभी सिलेक्शन लिस्ट हमारे पास आ गई है फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, एक्सरेज की, उसमें हाँ जी मैं उसमें कई सारे बच्चे जो हैं फ्रेशर इन्होंने इंक्लूड किए हैं। फ्रेशर कितने बच्चे सर आप बता रहे थे? 21 बच्चे, जैसे पता है वो पास आउट हुए अभी 2021 में भी पास आउट हुए हैं वो, तो अभी उनको 6 महीने तक, 6 महीने तो बहुत ज्यादा, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, उनको रिक्रूट किया इन्होंने मैम। ये तभी तो ये हेल्थ का हमारा ये हाल हो रहा है, डीआरडीओ जो स्पेशलाइज्ड है, जहाँ पे एडवांस्ड वेंटिलेटर्स, मशीनरी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे सीधा ये फ्रेशर, मतलब क्या करेगा फ्रेशर, आप भी समझते हैं ये, खैर हमें। दूसरी बात क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, इसके पीछे का कारण मैम चाचा भतीजा है, और कोई कारण नहीं है, पैसा, चाचा जो भी है, कारण जो मर्जी हो मैम, हमारी तो एलजी साहब से या वीडियो जहां जहां भी जाएगी ये रिक्वेस्ट है कि दे शुड रिवाइज दिस सिलेक्शन लिस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस। अगर कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से छोटी भी दे रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है, खास करके हम जम्मू के लोगों की कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। अभी आपके सामने सब कुछ, एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने है, लिस्ट भी आपके सामने है, नोटिफिकेशन भी आपके सामने है, हम लोग सारे बेवकूफ हैं
जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं, पाँच पाँच दस दस साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, हमारा सारा एक्सपीरियंस वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। चलिए सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुहार लगते हैं। गवर्नर साहब, जरा इन बच्चों की सुनिए, ये जम्मू के बच्चे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात आप तक लाना चाहते हैं, सरकार तक, प्रशासन तक लाना चाहते हैं, पर अफसोस की बात है, तब भी इनको विश्वास है सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है और होता रहेगा, जो कि इन बच्चों ने भी, इन युवाओं ने ही कहा, और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि हम जितनी मर्जी आवाज उठाएं, क्योंकि शांतिपूर्वक आवाज है ना, और शांतिपूर्वक आवाज जो उठाएगी उसका कोई भी, ना ही उस आवाज का कोई असर होता है, ना उस बात पर कोई कार्रवाई होती है। ये युवा जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से DRDO को 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस वहां काम आएगा और आम जनता को ये सर्व करेंगे। पर देखिए, 20 को एडवर्टाइज निकलती है और 23 को ये लास्ट डेट रख देते हैं, वो भी ऑफलाइन फॉर्म्स के, और हमें फोन आते रहे, हमने उस पर कवरेज भी की थी कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा था बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर जाकर फॉर्म जमा करवाने के लिए। और पता नहीं इतनी हाई हेडेड क्यों है यहाँ की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल, यानी क्यों हाई हेडेड है वो, क्यों नहीं आम जनता की आवाज को सुनना चाहती, यानी जिस पोस्ट पर वो बैठी है आम जनता, हर एक व्यक्ति उनके लिए एक समान है, पर ऐसे क्या है मैडम के ऊपर, यानी कि कैसे, कहां से ऊपर से इनको आदेश आते हैं, यानी कि 20 को ये निकलती है पोस्टें और उस पर साफ तौर पर लिखा जाता है हर साल का एक्सपीरियंस के 2 नंबर होंगे, यानी ये बच्चे अगर किसी ने 5 साल का एक्सपीरियंस है 10 नंबर, 4 साल का एक्सपीरियंस है 8 नंबर, 6 साल का एक्सपीरियंस है 6 नंबर, तो खुद बताइए, उसी के 27 तारीख को एक मीटिंग बैठती है और मीटिंग में साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया जाता है कि एक्सपीरियंस वाला क्लॉज है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी क्यों, कहीं ना कहीं उनके अंदर खतरा था कि जो हमने अपना भाई भतीजा चाचा भतीजा वो करना था वो नहीं होगा, इसलिए फ्रेशर को उठाकर लगाया। यानी DRDO हॉस्पिटल एक हाईटेक हॉस्पिटल है, आपने देखा लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी, कितना बढ़िया हॉस्पिटल, कितना जबरदस्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वो हॉस्पिटल बनाया गया, और वहां पर स्टाफ भी ट्रेंड ही चाहिए होगा, फिर रिफ्रेशर्स को लेने का क्या मकसद था, ये लोग कहां जाएंगे, ये जो युवा इस समय हमने पीछे दिखाए, ये युवा आखिर कहां जाएंगे, कहां इनके लिए कहां अभी, यानी कि नौकरियां रखी हैं, कहां अप्लाई करेंगे। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ जरूर है, ये भी कहा कि लोग हमें फोन करके बोलते 2 लाख 2.5 लाख दीजिए, यानी रेट फिक्स हुए हैं, तो खुद अंदाजा लगाई जो इंसान नौकरी पाने के लिए 2.5 या 3 लाख रुपया देगा तो वो फिर से वही काम, यानी जो करप्शन है वो पीक पर है, वो भी तो वैसे ही कमाएगा ना, जिस कमाई से थ्रू जिस तरह से वो आएगा वैसे ही कमाएगा, और यही नीति चलती आ रही है जम्मू में। अब जरूरत है इन पे बदलाव की, गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, सर हमारे युवा का विश्वास मत तोड़िए, ये जेन्यून इशू है और सामने सबूतों के साथ है कि ऐसी, पहले आप एडवर्टाइज निकालते हैं, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं होती, निकालते हैं कि 2 एक्सपीरियंस के बेस पर हर साल के एक्सपीरियंस के 2 नंबर मिलेंगे, उसके बाद जब लिस्ट आउट होती है उसमें कैटेगरी के बच्चे जो है उनको लिया जाता है और एक्सपीरियंस को 27 तारीख को एग्जम्प्ट किया जाता है, तो फिर कहाँ जाएंगे ये बच्चे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर चल क्या रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, कि कहीं ना कुछ दाल में काला जरूर है, जिसके चलते ये मीटिंग जो कि इमरजेंसी मीटिंग की जाती है और एक्सपीरियंस को एग्जम्प्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं ये वीडियो अगर गवर्नर साहब तक पहुंचती है वो क्या संज्ञान लेते हैं। तो डुल्लू जी आप भी, आप मौन खोलिए, ये हमारी जनता जम्मू की युवाओं का सवाल है, मौन को तोड़िए, ये चाचा भतीजा आप छोड़िए, चलिए जुड़िया रहे ऐसे हमारे साथ।